क्या जयराम महतो की पार्टी में दरार आ गया है? क्या पार्टी टूटने वाली है? क्या पार्टी के सदस्यों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी को देखकर लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक और, भारत निर्वाचन आयोग ने जयराम महतो की पार्टी JBKCS को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। अब जयराम की पार्टी JBKCS झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी। पार्टी को राजनीतिक दल का मान्यता तो मिल गया, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गया है? मतभेद हुआ भी है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या वजह रही है, सब बताएंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जयराम महतो से पार्टी के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इस वक्त उनसे नाराज चल रहे हैं। इनमें देवेंद्रनाथ महतो, संजय मेहता, मनोज यादव का नाम शामिल है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली से इलाज कर वापस रांची लौटे देवेंद्रनाथ महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि उनकी पार्टी यानी JBKCS सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उस दौरान उनके साथ संजय मेहता और मनोज यादव भी मौजूद थे, जबकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो इससे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के सदस्यों के बीच मतभेद है या फिर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से पार्टी के ही सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। आपसी मतभेद होने की दूसरी ये वजह हो सकती है कि कुछ दिन पहले जयराम महतो मंत्री इरफान अंसारी के मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके बाद उनके ही समर्थकों ने इसे लेकर अलग अलग बयानबाजी शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उसी समय पार्टी के ही नेता और रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो बीमार चल रहे थे, लेकिन उनसे मिलने जयराम महतो एक दफा भी नहीं पहुंचे, जिसके बाद से ये नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। तीसरा ये हो सकता है कि JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने हाल ही में कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। उन सीटों में से एक मांडू सीट का भी जिक्र किया गया था। वहीं पार्टी के अंदर खाने से खबर है कि मांडू सीट पर हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में बहुत संभावना है कि बढ़ती मतभेद की यह भी एक वजह हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि जयराम महतो की पार्टी को अब राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गया है और JBKCS झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा और बहुत जल्द चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह भी देने वाला है। चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिलीप कुमार वर्मा ने जयराम महतो को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग की ओर से मोर्चा को 3 चुनाव चिन्ह का विकल्प दिया जाएगा, जिसके बाद पार्टी की ओर से इन 3 चुनाव चिन्ह में से एक का चयन कर आयोग भेज दिया जाएगा। वहीं जयराम महतो की ओर से भी विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगा गया है। जयराम महतो ने इसे लेकर आम सूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वे 8 से 13 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। एक तरफ विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए जयराम आवेदन फॉर्म भरने को कह रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के अंदर चल रहे आपसी मतभेद पर जयराम महतो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में इस तरह से मतभेद होता रहेगा तो शायद चुनाव में इसका खामियाजा जयराम महतो और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव से पहले पार्टी के सदस्यों के अंदर बढ़ रहे आपसी मतभेद ठीक होते भी है या फिर यूं ही बरकरार रहता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।